नंदिनी ने अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को ऊपर उठाया और दबे पांव खिड़की से कूदकर कमरे में आ गई। लेकिन जैसे ही नंदिनी अंदर आई तो उसका पैर खिड़की के पास रखे एक टेबल से टकरा गया। नंदिनी के पूरे शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। लेकिन नंदिनी ने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो अपने सामने बिस्तर पर सो रहे शख्स को जगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो जाग जाता तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता और नंदिनी रात के इस वक्त कोई शोर शराबा करना नहीं चाहती थी। नंदिनी को कम से कम आज की रात तो खामोशी से बितानी थी, ताकि सुबह होते ही वो अपने लिए कोई नया प्लान तैयार कर सके। नंदिनी एक अंधे की तरह यहाँ वहाँ अपने हाथ घुमा रही थी और जब उसका हाथ सोफे से टकराया तो वो थकान और आधी नींद की हालत में वहीं लेट गई। नंदिनी दुल्हन के भारी भरकम जोड़े में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन आज उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। नंदिनी ने सोफे की बाजू पर अपना सिर टिकाया और आंखें बंद करके सो गई। नंदिनी को सोए हुए अभी तो कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे समंदर में डुबो दिया हो। जैसे ही नंदिनी ने अपनी आंखें खोली तो वो ये देखकर चौंक गई कि सामने राजीव पानी का बड़ा जग लेकर खड़ा था और उसने जग का सारा पानी नंदिनी के चेहरे पर डाल दिया था। नंदिनी जल्दी से सोफे से उठ खड़ी हुई और इससे पहले कि राजीव नंदिनी से कुछ पूछता, नंदिनी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया और राजीव लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। नंदिनी धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ने लगी तो उसकी चूड़ियों की खनक और उसके पायल की छन छन पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। और फिर अचानक ही नंदिनी राजीव के ऊपर झुक गई और आंखों में बेहद गुस्सा भरते हुए कहने लगी, राजीव, अपनी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है भला? तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? नंदिनी के इस व्यवहार से राजीव तो नंदिनी को आंखें फाड़े देखता ही रह गया था और फिर एकदम से फर्श से उठकर नंदिनी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये लो कर लो बात। रात में चोरों की तरह मेरे घर में घुसकर और मेरे ही घर में मुझसे बदतमीजी करके तुम मुझे ही तमीज सिखा रही हो। एक बात बताओ नंदिनी, कि इतनी रात गए तुम मेरे घर में क्या करने आई हो? क्योंकि जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, तुम्हें तो विदा होकर अपने पति के साथ चले जाना चाहिए था, तो फिर तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये कहते हुए राजीव गुस्से से आग बबूला हो गया तो नंदिनी डर के मारे पीछे हटने लगी। नंदिनी ने राजीव से कहा, राजीव, मैं शिवम से शादी नहीं करना चाहती और इस वक्त मेरे पास घर से भागने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, लेकिन रात के इस वक्त मैं जाती भी तो कहाँ जाती, और फिर मुझे ऐसा लगा कि रात के इस वक्त तुम्हारे घर के अलावा और कोई सुरक्षित जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। इतना कहकर नंदिनी अचानक ही मुड़ी और खिड़की का पर्दा हटाकर दूर अपने घर की ओर देखने लगी। नंदिनी ने देखा कि उसके दोनों भाई गुस्से से लाल होकर उसके घर के बाहर ही खड़े थे और चौकीदार पर चिल्ला रहे थे। नंदिनी जानती थी कि जरूर उसके भाई उसे ही ढूंढ रहे होंगे और जब वो उसे नहीं ढूंढ पाए होंगे तो अब वो चौकीदार पर चिल्ला रहे थे। नंदिनी को अब उस चौकीदार पर तरस आ रहा था, जबकि इन सब में उस बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं थी, क्योंकि नंदिनी तो अपने कमरे की खिड़की से कूदकर यहाँ तक पहुँची थी। नंदिनी ने तुरंत ही खिड़की के पर्दे फिर से बंद कर लिए और जब उसने पलटकर देखा तो राजीव अभी भी उसे ही घूर रहा था। राजीव ने तुरंत ही नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चलो नंदिनी, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। इससे पहले कि राजीव नंदिनी को अपने कमरे से बाहर ले जाने लगता, नंदिनी ने झटक कर राजीव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहने लगी, नहीं राजीव, अब तो मैं किसी भी कीमत पर वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। तब राजीव ने कहा, नंदिनी, ये बात तो तुम्हें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, अब तुम जियो या मरो, मुझे क्या।
और तुम अपना झमेला लेकर मेरे गले क्यों पड़ गई हो? मैं तो बस तुमसे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। नंदिनी ने कहा, कैसे दोस्त हो तुम राजीव? एक दोस्त की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ दे। राजीव ने एक नजर गुस्से से नंदिनी की तरफ देखा और कहने लगा, नंदिनी तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ मैं तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ, और एक पड़ोसी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने पड़ोसियों के घर की इज्जत को सही सलामत फिर से उनके घर तक पहुँचा दूँ। इतना कहकर राजीव ने एक बार फिर से नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगा। नंदिनी अपने आप को कमरे की ओर खींचने लगी जबकि राजीव उसे बाहर की तरफ खींच रहा था, लेकिन राजीव की ताकत नंदिनी पर भारी पड़ रही थी और राजीव के सामने नंदिनी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी। और फिर अचानक ही नंदिनी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने अपने ही हाथों से अपने चोली की एक बाजू फाड़ दी। नंदिनी की इस हरकत पर राजीव एकदम से चौंक गया और कहने लगा, नंदिनी तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने अपने ही हाथों से अपना इतना कीमती लहंगा फाड़ दिया। तब नंदिनी ने कहा, वैसे भी अब ये लहंगा मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि जब मुझे शिवम से शादी ही नहीं करनी है तो इस लहंगे का क्या मैं आचार डालती। तब राजीव ने कहा, लेकिन नंदिनी तुम इस लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पागल लड़की, इतने अच्छे लहंगे को फाड़ने से कम एक दो अच्छी तस्वीर तो खिंचवा लेती। तब नंदिनी ने गुस्से से कहा कि मैं अपने लहंगे में तस्वीर खिंचवाऊं या इसे फाड़कर जला दूं, तुम्हें इससे क्या? तुम तो मुझे मेरे घर वापस छोड़ना चाहते हो ना, तो ये लो पकड़ो मेरा हाथ और छोड़ आओ मुझे मेरे घर पर। मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम पर यकीन करता है जब तुम कहोगे कि मैं खुद ही तुम्हारे घर में सहारा लेने आई थी। क्योंकि अब मैं तो सबको यही कहूंगी कि कल रात तुमने ही मुझे किडनैप कर लिया था और पूरी रात अपने घर में रखकर मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरे भाई तो मेरी बातों पर ही यकीन करेंगे और फिर मेरे इतना कहते ही तुम खुद ही देख लेना कि मेरे भाई तुम्हारा क्या हाल करते हैं। नंदिनी की यह बात सुनकर राजीव आंखें फाड़े नंदिनी को देखने लगा और कहने लगा, अच्छा तो मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी। तब नंदिनी ने कहा, क्या करूं राजीव, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी ना। और फिर नंदिनी धीरे से राजीव के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, देखो राजीव, तुम्हारी और मेरी भलाई इसी में है कि अब जो मैं तुमसे करने के लिए कह रही हूँ तुम चुपचाप मेरी बात मान लो। इतना कहकर नंदिनी ने राजीव के कान में कुछ फुसफुसाया जिसे सुनकर राजीव को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके सिर पर धमाका कर दिया हो जिसकी वजह से उसका सिर चकराने लगा था। राजीव ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहते हुए राजीव अचानक ही बहुत गुस्सा हो गया। तब नंदिनी ने कहा कि तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। नंदिनी को ऐसा लगा कि राजीव अब उसकी जाल में फंस चुका है, लेकिन जब राजीव एक एक कदम नंदिनी की ओर बढ़ने लगा तब नंदिनी डरने लगी और पीछे की तरफ हटते हुए दीवार से लग गई। अब राजीव नंदिनी के बिल्कुल करीब आ चुका था और फिर उसने अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के बेहद करीब ले जाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। अब नंदिनी राजीव के दोनों हाथों के बीच में किसी डरी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी, क्योंकि राजीव के खतरनाक इरादे उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और फिर राजीव नंदिनी से कहने लगा, राजीव मेहरा नाम है मेरा, और आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। नंदिनी, शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई
कि इस वक्त तुम मेरे घर में खड़ी हो और अभी इस वक्त यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तुम दुल्हन के लिबास में मेरे सामने खड़ी हो और मेरी तो किस्मत ही खुल गई है कि मुझे घर बैठे ही एक खूबसूरत दुल्हन मिल गई है जिसने अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए हैं। कुछ फायदा तो आज मैं भी उठाऊंगा तुम्हारी इस खूबसूरती का और उसके बाद ही तुम्हारी शर्त के बारे में सोचूंगा। राजीव नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कह रहा था और नंदिनी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। जैसे ही नंदिनी ने अपने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा, तो राजीव ने नंदिनी के होंठों पर अपनी उंगली रख दी और फिर उसकी चोली की दूसरी बाजू भी फाड़ दी। कुछ देर बाद राजीव के हाथ नंदिनी की चोली की डोरियों तक पहुंच गए थे और फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां नंदिनी की पीठ का सफर कर रही थी। नंदिनी बेबस होकर राजीव को देख रही थी, लेकिन राजीव को तो नंदिनी की आंखों में बेबसी के आंसू देखकर शायद और भी मजा आ रहा था। और फिर अगले ही पल राजीव के हाथों ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि नंदिनी के मुंह से एक सिसकारी निकल गई थी। नंदिनी अपने तीन भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी और उसके परिवार की गिनती बहुत रईस और इज्जतदार खानदानों में होती थी। नंदिनी के माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, तब से उसके बड़े भाई ने ही नंदिनी के पिता होने के सारे फर्ज निभाए थे। नंदिनी के भाई बहुत ही सख्त स्वभाव के इंसान थे और वो अपनी आन बान शान के लिए जान देने या लेने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते थे। नंदिनी बचपन से ही एक घुटन भरी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि कहने के लिए तो वो अपने भाइयों के लिए बेटी थी, लेकिन हकीकत में उसकी जिंदगी किसी कैदी की तरह थी। नंदिनी को तो सपने देखने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि जब भी वो कोई सपना देखती थी तो वो सपना उसके परिवार के रीति रिवाजों की बलि चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से नंदिनी को अपने भाइयों से पढ़ाई करने की इजाजत मिली थी, और अगर इसमें भी नंदिनी की बड़ी भाभी ने उसका साथ ना दिया होता तो शायद नंदिनी की यह इच्छा भी उसके परिवार के रीति रिवाजों की बलि चढ़ जाती। नंदिनी की भाभी ने उसके भाइयों को भरोसा दिलाया था कि नंदिनी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नंदिनी की भाभी ने नंदिनी के भाई से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर नंदिनी को पढ़ने की इजाजत मिली थी। लेकिन उस वक्त नंदिनी यह नहीं जानती थी कि उसका प्यार ही उसके सपनों के बीच आ जाएगा। आज से पहले नंदिनी को ये पता ही नहीं था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि आज तक तो उसे कभी अपने भाइयों का प्यार भी नसीब नहीं हुआ था जो नंदिनी को अपनी बेटी मानने का दावा करते थे। नंदिनी के भाई तो हर पल उस पर कड़ी नजर रखते थे और हर वक्त उसके साथ सख्ती से ही पेश आते थे। नंदिनी की नजरों में वो अपने भाइयों के लिए एक ऐसा बोझ थी जो कभी भी उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती थी। और फिर जब नंदिनी की मुलाकात शिखर से हुई और वो उसे चाहने लगी, तब उसे पता चला कि इस दुनिया में प्यार से खूबसूरत एहसास तो और कोई हो ही नहीं सकता। और अपने इसी प्यार को पाने की खातिर नंदिनी ने अपने घर के रीति रिवाजों के खिलाफ जाने का फैसला किया, और अब तो वो शिखर को पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती थी। लेकिन नंदिनी के लिए अपने प्यार को हासिल कर लेना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं था, क्योंकि पता नहीं नंदिनी के भाइयों को ये बात कैसे पता चल गई थी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कॉलेज में नंदिनी के पीछे जासूस लगा रखे होंगे। और शायद इसीलिए जब नंदिनी छिपकर शिखर से मिलने जाती थी तो उन्हें इस बात का पता चल जाता था। एक दिन नंदिनी शिखर के साथ कॉलेज कैंपस के पीछे एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठी हुई थी और शिखर की प्यार भरी बातें सुन रही थी कि तभी अचानक कॉलेज के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुक गई और उस गाड़ी में से कुछ हटे कट्टे आदमी बाहर निकले जिन्हें शायद नंदिनी के भाइयों ने ही भेजा था। उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे शिखर की खूब पिटाई कर दी और फिर सबके सामने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। ये तो अच्छा हुआ कि शिखर के दोस्तों ने मिलकर उसे बचा लिया और उसकी जान बच गई,
लेकिन नंदिनी की जान नहीं बच पाई थी। उस दिन नंदिनी बहुत ही ज्यादा रो रही थी, लेकिन नंदिनी के भाइयों को उस पर तरस नहीं आया और उन्होंने नंदिनी को उसके कमरे में कैद कर लिया। नंदिनी ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने शिखर से इस तरह से और इतना जल्दी बिछड़ जाएगी। और फिर कुछ ही दिनों में नंदिनी की शादी एक ऐसे इंसान से तय कर दी गई जो नंदिनी के भाइयों की तरह ही बहुत बेरहम और सख्त दिल इंसान था। जैसे जैसे नंदिनी की शादी का दिन करीब आ रहा था, उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। नंदिनी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, कि तभी अचानक ही नंदिनी को अपने दोस्त राजीव का ख्याल आया, जिसका घर नंदिनी के घर के बिल्कुल पास ही था। घर के मेन गेट के पास तो सख्त पहरा लगा हुआ था, इसलिए नंदिनी का वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन सा था। इसलिए अब नंदिनी के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था उसके दोस्त राजीव का घर, जहां वो एक रात के लिए रुक सकती थी। नंदिनी की शादी में बस अब 3 दिन ही बचे थे और नंदिनी का घर मेहमानों से भरा हुआ था। नंदिनी भी बस एक मौके की तलाश में ही थी कि कब वो खिड़की से कूदकर यहां से भाग निकले। और आखिरकार शादी वाली रात को ही नंदिनी को ये मौका मिल गया, जब बाहर दरवाजे पर उसकी बारात खड़ी थी और वो कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। घर के लोग और सारे मेहमान बारात के स्वागत के लिए गेट पर खड़े थे और उस वक्त घर में नंदिनी बिल्कुल अकेली ही थी। इसलिए नंदिनी ने मौके का फायदा उठाया और खिड़की से बाहर कूदकर अपने घर के पीछे के मैदान में आ गई। नंदिनी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि भले ही सब लोग दूल्हे को देखने में बिजी थे, लेकिन अगर आज नंदिनी पकड़ी जाती तब तो उसकी अर्थी निकलना पक्का था। नंदिनी और राजीव के घर के बीच बस एक दीवार ही थी, लेकिन मेन गेट तो बंद पड़ा था। और इस वक्त नंदिनी ना तो बैल बजाने की गलती कर सकती थी और न ही सोते हुए राजीव को जगा सकती थी, वरना वो नंदिनी को देखते ही अपना आपा खो देता। राजीव यहाँ अकेला ही रहता था और वो कुछ दिन पहले ही कनाडा से यहाँ आया था। राजीव के बचपन में ही उसके मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हो गए थे और तब से ही राजीव के पापा उसे लेकर विदेश चले गए थे। राजीव के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो राजीव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। राजीव के पापा के लिए पैसा ही सब कुछ था, जबकि राजीव की माँ ने तो घर छोड़ने के बाद राजीव को एक बार कॉल तक नहीं किया था। नंदिनी के भाइयों के साथ राजीव की अच्छी बनती थी और एक राजीव ही था जिसे नंदिनी के घर आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अगर आज नंदिनी किसी भी तरह से राजीव के घर रात बिता लेती तो किसी को कुछ भी शक नहीं होता। लेकिन हाँ, राजीव को बुरा जरूर लगता और शायद वो नंदिनी को वापस उसके घर भेजने की पूरी कोशिश भी करता। लेकिन नंदिनी ने भी ठान लिया था कि वो राजीव को किसी भी तरह से मना लेगी, लेकिन वो अपने घर वापस तो नहीं जाएगी। और इसलिए आज नंदिनी ने राजीव के सामने एक ऐसी शर्त रख दी ताकि मजबूर होकर राजीव को नंदिनी की बात माननी पड़े। लेकिन नंदिनी शायद ये भूल गई थी कि राजीव भी था तो एक मर्द ही ना, और वो रात की इस तन्हाई में नंदिनी के अकेलेपन का फायदा भी उठा सकता था। नंदिनी शिवम से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दबाजी में उसने ये कदम तो उठा लिया था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में बुरी तरह से फंस चुकी थी। नंदिनी ने जब राजीव को धमकी दी तब राजीव के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर उसे ऐसा लगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई है और अब मजबूरी में ही सही, लेकिन राजीव उसकी शर्त जरूर मान लेगा। लेकिन राजीव की उस हरकत ने तो पूरा पासा ही पलट दिया था। राजीव कुछ देर तक नंदिनी को गहरी निगाहों से देखता रहा और फिर अचानक ही धीरे धीरे नंदिनी के करीब जाने लगा। राजीव की आंखों में एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था, जिसे देखकर नंदिनी बहुत ही डर गई थी। जैसे जैसे नंदिनी पीछे की तरफ हटती गई, राजीव उसके और भी ज्यादा करीब बढ़ रहा था।
और फिर अचानक ही नंदिनी जब दीवार के साथ सट गई, तो राजीव ने अपनी बाहें उसके दोनों तरफ फैला दी और अपने हाथ दीवार पर टिका दिए। नंदिनी राजीव की मजबूत बाहों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी और अब वो दिल्ली दिल में बहुत कांप रही थी। लेकिन नंदिनी ने खुद को बिल्कुल नॉर्मल ही रखा, क्योंकि वो राजीव के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मगर राजीव नंदिनी के इतने करीब था कि डर के मारे नंदिनी के हाथ पैर कांपने लगे थे। नंदिनी के कांपते शरीर को देखकर राजीव उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, देखो तो नंदिनी, मैं तो तुम्हारी धमकी से डरकर कितना कांपने लगा हूँ। इतना कहकर राजीव जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, नंदिनी जितना तुमने सोचा था उतना आसान नहीं है राजीव मेहरा को ब्लैकमेल करना। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी धमकी से डरकर तुम्हारी शर्त मान लूंगा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढ कर तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे मदद मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये कहते हुए जब राजीव नंदिनी को अजीब नजरों से देखने लगा, तब नंदिनी की सांसें तो जैसे उसके गले में ही अटक गई थी, क्योंकि आज नंदिनी ने पहली बार राजीव का ये रूप देखा था। वरना जिस राजीव को नंदिनी जानती थी वो तो हमेशा अपनी नजरें झुकाकर नर्म शब्दों में ही बात करता था, लेकिन ये तो कोई और ही था जिसकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी छाई हुई थी, जिसे देखते ही नंदिनी थर थर कांपने लगी थी। नंदिनी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखो राजीव, मेरे पास मत आना और खबरदार अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो। नंदिनी की आवाज में घबराहट साफ साफ झलक रही थी और राजीव नंदिनी की इस घबराहट पर जोर जोर से हंसने लगा था। आज पहली बार नंदिनी को राजीव के लिए नफरत महसूस हो रही थी, मगर राजीव के लिए तो नंदिनी की नफरत भी कोई मायने नहीं रखती थी। और फिर अचानक ही राजीव ने नंदिनी की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने बहुत ही करीब खींच लिया, और तब नंदिनी को ऐसा लगा कि उसका प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। नंदिनी ने कहा, राजीव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। तब राजीव ने कहा, हाँ नंदिनी, माना कि हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की जब बड़े हो जाते हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं रहता, इसलिए आज मैं हमारी दोस्ती के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करने जा रहा हूँ। लेकिन नंदिनी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी आंखें बंद रखना, जो कुछ भी करना है मैं खुद ही कर लूंगा। राजीव की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर तो नंदिनी को राजीव के मानसिक संतुलन पर शक होने लगा था। नंदिनी राजीव को झटके से दूर करना चाहती थी, लेकिन राजीव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नंदिनी के लिए खुद को राजीव से छुड़ाना मुश्किल लग रहा था। और फिर अचानक ही राजीव ने कुछ ऐसा किया कि नंदिनी को अपनी गर्दन पर कुछ चुभन सी महसूस हुई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। और फिर जब नंदिनी की आंखें खुली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, शायद ये कोई बंद जगह थी। लेकिन नंदिनी तो ये भी नहीं जानती थी कि राजीव ने उसे कहाँ कैद कर रखा है, क्योंकि यहाँ तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो किसी गाड़ी में सफर कर रही है, क्योंकि ब्रेक लगने पर नंदिनी का सिर किसी लोहे की चीज से टकरा जाता और दर्द के मारे नंदिनी की जान निकल जाती थी। नंदिनी अपने हाथों से उस लोहे की चीज को बजाने लगी, लेकिन शायद किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ देर बाद जब सब कुछ रुक गया, तब नंदिनी की जान में जान आ गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब कोई तो उसे यहाँ से आजाद करने में उसकी मदद करेगा। नंदिनी को राजीव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाहती थी कि वो उसका मुंह नोच ले, लेकिन फिलहाल तो वो इस कैद से आजाद होना चाहती थी, क्योंकि अब तो उसके लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद जब वो लोहे का ढक्कन खुला तो घना अंधेरा चमकते उजाले में तब्दील हो चुका था
और नंदिनी का दुश्मन उसकी आंखों के सामने खड़ा था। नंदिनी ने गुस्से से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है राजीव, और ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तब राजीव ने कहा, नंदिनी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पहले खुद ही मदद मांगती हो और अब जब मदद कर रहा हूँ तो सवाल पर सवाल किए जा रही हो। नंदिनी ने कहा, इस तरह से गाड़ी की डिक्की में बंद करके कौन सी मदद कर रहे थे तुम? तब राजीव कहने लगा, तो और क्या करता, सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें वहाँ से भगा ले जाता ताकि तुम्हारे साथ साथ मेरी भी अर्थी निकल जाती। और वैसे भी मदद करने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है, और मेरा स्टाइल तो ऐसा ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश करके चद्दर में लपेट कर गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया, वरना तुम्हारे जैसी हल्ला मचाने वाली लड़की को मेरे लिए चद्दर में लपेटना मुश्किल हो जाता। तब नंदिनी ने कहा, अचानक ही तुम्हारा मन कैसे बदल गया राजीव, जबकि तुम तो मेरे अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे ना, और इसीलिए तुमने मेरी चोली की दूसरी बाजू भी फाड़ दी। ये कहते हुए नंदिनी ने जब एक नजर अपनी चोली पर डाली, तब ये जानकर तो उसके होश ही उड़ गए थे कि उसके शरीर पर उसका दुल्हन का जोड़ा तो था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर मर्दों का नाइट सूट पहना हुआ था। नंदिनी ने गुस्से से राजीव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था राजीव कि तुम सिर्फ बदतमीज ही नहीं बल्कि एक बहुत ही निहायती घटिया इंसान हो सकते हो। नंदिनी के इस गुस्से पर राजीव शरारत से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ओ मैडम, एक तो मुझे तुम्हारा वजन उठाना था, ऊपर से तुम्हारा ये भारी भरकम लहंगा भी उठाता क्या? तुम लड़कियों को आदत होगी इतना भारी भरकम वजन उठाने की, मैं तो मुश्किल से तुम्हें उठा पाया, वो भी बहुत है मेरे लिए। नंदिनी ने कहा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ भी लगाने की? तब राजीव ने कहा, ये तो अच्छा है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही बदले हैं, वरना करने को तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता था। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का, इसीलिए तुम्हारे कपड़े बदलते वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राजीव की ये बात सुनकर नंदिनी ने अपनी नजरें नीची कर ली। तब राजीव ने कहा, अब पूरी जिंदगी मेरे साथ गाड़ी में ही बितानी है या अपने बॉयफ्रेंड का पता भी बताओगी ताकि मैं तुम्हें उसके पास छोड़कर इस बला से मुक्त हो जाऊं? इतना कहकर जब राजीव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नंदिनी को अंदर बैठने का इशारा किया, तो नंदिनी भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नंदिनी अभी भी राजीव से नाराज थी और नंदिनी का गुस्से से फूला हुआ मुंह देखकर राजीव कहने लगा, यार नंदिनी, अब तुम इस तरह से मुंह फूला कर मत बैठो, तुम्हारे कपड़े बदलना मेरी मजबूरी थी। यार, मैं तुम दोनों को साथ में उठाकर ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कोशिश जरूर की थी। अच्छा बाबा, अब तो तुम्हें सताने के लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो और बता भी दो कि तुम्हें कहाँ जाना है। नंदिनी ने एक नजर राजीव की ओर देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, पहले तुम मुझे अपना मोबाइल दो, मैं उसे कॉल करना चाहती हूँ। राजीव ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और नंदिनी के हाथों में थमा दिया। जब नंदिनी ने शिखर को कॉल लगाया तो उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मानो किसी भी पसीना चीर कर बाहर निकल आएगा, क्योंकि आखिरकार आज नंदिनी को उसका प्यार जो मिलने वाला था। और फिर जैसे ही सामने से फोन रिसीव हुआ तो नंदिनी ने कहा, हेलो शिखर, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नंदिनी शिखर से मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि सामने फोन पर बात करने वाला शख्स शिखर है भी या नहीं। और फिर सामने से जो आवाज नंदिनी को सुनाई दी और उस शख्स के शब्दों को सुनकर नंदिनी के सिर पर तो जैसे बिजली ही टूट पड़ी थी। नंदिनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गई है। अब तो नंदिनी के हाथ भी कांपने लगे थे और उसके हाथों से फोन छूटकर उसकी गोद में गिर चुका था।
क्योंकि फोन पर जो कुछ भी नंदिनी ने सुना था उसके बाद तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसके शरीर से उसकी जान ही निकल गई है। जिस प्यार को हासिल करने के लिए नंदिनी ने अपने भाइयों के खिलाफ जाकर इतना बड़ा जोखिम उठाया और अपने साथ साथ राजीव की जान को भी खतरे में डाल दिया, वो प्यार, वो शिखर अब नंदिनी का नहीं बल्कि किसी और का हो चुका था। नंदिनी के चेहरे के हाव भाव देखकर राजीव भी टेंशन में आ गया था और फिर पत्थर बनी नंदिनी को झिझोड़ते हुए राजीव ने कहा, क्या हुआ नंदिनी, सब कुछ ठीक तो है ना? नंदिनी, शिखर तुम्हें लेने आ रहा है ना, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उसके घर तक छोड़ सकता हूँ। नंदिनी ने खामोश निगाहों से राजीव की तरफ देखा और कहा, राजीव मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ, तुम गाड़ी चलाओ। नंदिनी को इस तरह से खामोश देखकर राजीव ने कहा, जरूर कुछ तो बात है नंदिनी, तुम अचानक से यूं खामोश क्यों हो गई हो, कहीं शिखर ने तुम्हें धोखा तो? इससे पहले कि राजीव अपनी बात पूरी करता, नंदिनी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, राजीव मैंने तुमसे जितना कहा है वही करो, और अगर नहीं कर सकते तो गाड़ी यहीं रोक दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नंदिनी के ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर राजीव चुप हो गया और बिना कुछ कहे शांति से गाड़ी चलाने लगा। और फिर ठीक आधे घंटे के बाद राजीव की गाड़ी शिखर के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से नीचे उतरते ही नंदिनी ने राजीव से कहा, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू राजीव, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब राजीव ने कहा, तुम भी ना नंदिनी, कभी तो तुम मुझे खुद का सबसे अच्छा दोस्त बताती हो और दूसरे ही पल थैंक यू और एहसान जैसे शब्द बोलकर मुझे पराया कर देती हो। राजीव के ऐसे शब्द सुनकर नंदिनी उसकी ओर देखते हुए फीका सा मुस्कुराने लगी। तब राजीव ने कहा, ठीक है नंदिनी, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राजीव ने जब अपनी गाड़ी मोड़ ली तो नंदिनी भी लड़खड़ाते कदमों के साथ शिखर के घर की ओर बढ़ने लगी। शिखर के घर तक पहुँचते पहुँचते नंदिनी गुस्से से लाल हो गई थी और अपने इसी गुस्से में उसने एक ही साथ 5-6 बार डोर बेल बजा दी, क्योंकि नंदिनी जिसे शिखर समझकर बात कर रही थी वो शिखर नहीं बल्कि कोई लड़की थी जो अपने आप को शिखर की पत्नी बता रही थी। उस लड़की ने फोन पर नंदिनी को बहुत ही उखड़े शब्दों में कहा था कि शिखर ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है और अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है, इसलिए अब दोबारा इस नंबर पर कॉल करने की गलती भी मत करना, वरना। इतना कहते ही उस लड़की ने फोन काट दिया था। तब से ही नंदिनी ये सोचकर परेशान थी कि शिखर ने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली और उसने नंदिनी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। लेकिन फिर नंदिनी ने सोचा, नहीं नहीं, मुझे जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, और अपनी इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए नंदिनी शिखर के घर तक आ पहुंची थी। लेकिन अब डोर बेल बजाते वक्त नंदिनी के हाथ कांपने लगे थे और उसका विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि अब कुछ ही देर में उसे हकीकत का सामना करना था। नंदिनी शिखर से कई सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो नाइट सूट पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आई और कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? तब नंदिनी ने गुस्से से उस लड़की को बाजू से पकड़ा और अपने रास्ते से हटाते हुए कहा, पहले तुम हटो मेरे रास्ते से, मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए नंदिनी के लहजे में इतनी अकड़ थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शिखर की पत्नी वो लड़की नहीं बल्कि खुद नंदिनी है। और फिर घर के अंदर जाते ही नंदिनी शिखर को आवाज देते हुए यहाँ से वहाँ अपनी नजरें दौड़ाने लगी थी। वो लड़की भी नंदिनी के पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी, ओए बदतमीज लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना, और ये तुम अंदर कहाँ घुसे जा रही हो, चलो निकलो यहाँ से। वो लड़की नंदिनी पर चिल्लाए जा रही थी, लेकिन नंदिनी ने उसे और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि नंदिनी तो सिर्फ और सिर्फ शिखर से ही मिलना चाहती थी और उसका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहती थी कि आखिर उसने नंदिनी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया।
और फिर जैसे ही नंदिनी ने अपने सामने एक कमरे का दरवाजा खुला पाया तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में दाखिल हो गई। मगर उस कमरे के अंदर दाखिल होते ही नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को निचोड़ कर रख दिया हो और अब उसमें जान ही ना बची हो। नंदिनी का भरोसा अब पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि शिखर सामने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस उसका आधा शरीर कंबल से ढका हुआ था। नंदिनी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी। अचानक ही नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े क्योंकि वो उस इंसान के लिए पूरी दुनिया को छोड़कर उसके पास चली आई थी जो शायद उसके प्यार के लायक था ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि नंदिनी शिखर को आवाज लगाती और उससे कुछ पूछती, वो लड़की उस कमरे में आई और नंदिनी पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो लड़की इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज से शिखर की नींद खुल गई थी। नंदिनी को अपने सामने देखकर शिखर भी हड़बड़ाकर उठ गया और उसने जल्दी से कंबल को अपने सीने तक खींच लिया। नंदिनी ने कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया शिखर, और मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुमने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों के खिलाफ जाकर अपनी जान को भी खतरे में डाल लिया। अगर तुम्हें किसी और से ही शादी करनी थी तो तुमने मुझसे प्यार के वादे क्यों किए थे। मैं अपने मरते दम तक तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शिखर, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इतना कहते हुए अचानक ही नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े तो शिखर ने कहा, नंदिनी मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज तुम अपना रोना बंद करो। ये कहते हुए जैसे ही शिखर नंदिनी के आंसू पोंछने आगे बढ़ा तो नंदिनी ने उसे अपने हाथों से दूर धकेल दिया और कहा, खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। अब तो तुमने मेरे आंसू पोंछने का हक भी खो दिया है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाकर अपने प्यार की भीख मांगूंगी। नहीं शिखर, अगर तुम ये सोचते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, एक बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैंने एक ऐसे इंसान का प्यार पाने के लिए अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी जो प्यार शब्द का ठीक से मतलब भी नहीं जानता है। तब शिखर ने कहा, नंदिनी ये बात सच है कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता था, लेकिन भागकर नहीं, क्योंकि अगर तुम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करती तो दहेज में मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, और मैं तो तुम्हारे हिस्से की जायदाद पाने के लिए ही तुमसे शादी करना चाहता था। और फिर जब मेरे घर वालों को इस बारे में पता चला तब उन्होंने एक बहुत ही रईस खानदान में मेरी शादी करवा दी, और आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए अब तुम भी अपने घर वापस लौट जाओ। ये सुनकर नंदिनी ने शिखर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, शिखर एक पल पहले तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपना प्यार अपनी जिंदगी सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी शादी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं हुई जो प्यार को पैसों से तोलता है। इतना कहकर नंदिनी शिखर के घर से बाहर निकल गई और उजड़ी हालत में सड़क के बीचों बीच यहाँ से वहाँ भटकने लगी थी, क्योंकि नंदिनी ने शिखर को थप्पड़ मारकर उसे तो ये जता दिया था कि अब नंदिनी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन नंदिनी अभी भी खुद को ये समझा नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों किस्मत ने इतना बड़ा खेल उसके साथ खेला था। नंदिनी को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि शादी वाले दिन घर से भागकर उसने अपनी वापसी का रास्ता खुद ही अपने हाथों से बंद कर दिया था, और अगर नंदिनी हिम्मत करके अपने घर वापस चली भी जाती तो उसके भाई उसे जान से ही मार देते। नंदिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए अब वो अपने जीने की उम्मीद छोड़कर सड़क के बीचों बीच तेज तेज कदमों से चलने लगी थी। नंदिनी को तो बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या करने जा रही है कि तभी अचानक ही उसकी टक्कर एक कार से हो गई
और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। और फिर जब नंदिनी को होश आया तब वो अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन जब उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी तो वो अचानक से बोल पड़ी, राजीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजीव ने कहा, हाँ मैडम, मैं वैसे तुमने तो मुझे अंदर कराने का पूरा इंतजाम कर लिया था और तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? ये तो अच्छा है कि तुम्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं और तुम सही सलामत बच गई हो। तब नंदिनी को याद आया कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था और जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी वो गाड़ी राजीव की ही थी। नंदिनी ने राजीव से शिकायत करते हुए कहा, क्यों बचाया तुमने मुझे राजीव, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? अब इस जिंदगी में मेरे लिए बचा ही क्या है? ये कहते हुए नंदिनी हड़बड़ाकर बेड से उठने लगी। तब राजीव ने कहा, अरे अरे नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और अगर तुम आराम नहीं करोगी तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। जब नंदिनी को पता चला कि उसका एक हाथ टूट गया है तब वो एकदम से डर गई और अपने हाथ को देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ है मेरे हाथ को, कहीं मेरा हाथ? इससे पहले कि नंदिनी और ज्यादा घबराती, राजीव ने कहा, नहीं नंदिनी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है और आज ही तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, बस डॉक्टर को तुम्हारे होश में आने का इंतजार था। और फिर शाम होते ही जब डॉक्टर ने नंदिनी को डिस्चार्ज कर दिया तब राजीव नंदिनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में राजीव ने नंदिनी से पूछा, नंदिनी, एक ही पल में ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी जान देने निकल पड़ी थी? नंदिनी ने रोते हुए राजीव को सारी हकीकत बता दी। तब राजीव ने कहा, नंदिनी, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर लड़की समझता था। तुमने तो अपने प्यार के लिए अपने भाइयों से बगावत करके अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि तुम बहादुर नहीं बल्कि एक बहुत ही कमजोर लड़की हो जो उसका एक छोटा सा धोखा बर्दाश्त ना कर सकी और मौत को गले लगाने निकल पड़ी। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है नंदिनी, जिंदगी की असली कीमत तो उन लोगों को पता होती है जो खुद तो जीना चाहते हैं लेकिन मौत उनके सामने खड़ी होती है। राजीव की बातें सुनकर जब नंदिनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया तब राजीव भी चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद ही नंदिनी ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो राजीव? मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती वरना मेरे भाई तो मुझे मार ही डालेंगे। तब राजीव हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, तुम भी ना नंदिनी, अजीब पागल लड़की हो। अभी कुछ देर पहले खुद ही मौत को गले लगाने चली थी और अब मरने से डर रही हो। वैसे मुझे भी पता है कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना सेफ नहीं है और अब तुम तो क्या, मैं भी अपने उस घर में नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मुझसे तुम्हारे बारे में कई बार पूछा, तब मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम कहाँ गई हो। नंदिनी ने कहा, राजीव, तो फिर अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब राजीव ने कहा कि शहर से काफी दूर मेरा एक फार्म हाउस है, फिलहाल तो हम वहीं जा रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद राजीव और नंदिनी दोनों राजीव के फार्म हाउस पर पहुंच गए तो राजीव ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठाया और फार्म हाउस के अंदर ले गया। क्योंकि नंदिनी को हाथ में फ्रैक्चर के साथ साथ एक पैर में भी गहरी चोट आई थी और डॉक्टर ने उस पैर पर वजन डालने के लिए मना किया था वरना वहां पर भी फ्रैक्चर हो सकता था। राजीव का फार्म हाउस बहुत बड़ा था और राजीव ने अपने फार्म हाउस का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा नंदिनी को रहने के लिए दे दिया। पूरी एक महीने तक नंदिनी के हाथ में फ्रैक्चर रहा और उस वक्त राजीव ही नंदिनी के सारे काम किया करता था। राजीव को शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी इसलिए उसे खाना बनाना भी आता था। राजीव नंदिनी के लिए खुद ही अपने हाथों से खाना बनाता था और अपने हाथों से ही उसे खाना खिलाता भी था। क्योंकि नंदिनी को दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उससे उल्टे हाथ से खाया नहीं जाता था,
नंदिनी को समय पर खाना और दवा देना, उसके पैर की चोट पर मसाज करना, उसके बालों में कंघी करना, यहाँ तक कि उसके कपड़े बदलने में मदद करना, ये सारे काम अब राजीव ही किया करता था। और आज भी राजीव जब भी नंदिनी के कपड़े बदलने में उसकी मदद करता था तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था। जब राजीव ने पहली बार नंदिनी के बालों में कंघी करके उल्टी सीधी चोटी बनाई, तब नंदिनी अपने आप को आईने में देखकर हंसने लगी थी। तब राजीव भी नंदिनी को देखते हुए मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे यार नंदिनी, मैं कोई हेयर आर्टिस्ट थोड़ी ना हूँ, मुझे ये छोटी बोटी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती। तब नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं राजीव, वैसे तुमने छोटी इतनी भी बुरी नहीं बनाई है। राजीव के साथ रहकर और उसके हंसी मजाक को सहन करके नंदिनी अब धीरे धीरे शिखर को और उसके दिए हुए धोखे को भूलने लगी थी। इस पूरे एक महीने में नंदिनी ने ये महसूस किया कि अपने जीवन साथी को लेकर जो भी ख्वाब उसने अपने दिल में सजाए थे, वो सारे के सारे गुण शिखर में नहीं बल्कि राजीव में थे। धीरे धीरे अब नंदिनी को राजीव से प्यार होने लगा था, लेकिन वो अपने दिल की बात राजीव से कह नहीं पाती थी, क्योंकि नंदिनी को ऐसा लगता था कि पहले ही राजीव के उस पर बहुत सारे एहसान हैं, और फिर वो ये भी तो नहीं जानती थी कि राजीव उसके लिए क्या महसूस करता है। एक दिन राजीव किसी से फोन पर बात कर रहा था, शायद उसे अपने काम से वापस कनाडा जाना था। नंदिनी ने जब ये बात सुनी तो उसने धीमी आवाज में कहा, राजीव तुम वापस कनाडा जा रहे हो क्या? तब राजीव ने कहा, हाँ नंदिनी, अब जाना तो पड़ेगा ही, आखिर कब तक यहाँ अकेला पड़ा रहूँगा। नंदिनी कहने लगी, राजीव जाना जरूरी है क्या? तब राजीव ने कहा, हाँ नंदिनी, अब यहाँ किसके लिए रुकूंगा, कोई है भी तो नहीं मुझे यहाँ रोकने वाला। अगर एक बार कोई प्यार से रुकने के लिए कहता तो शायद रुक भी जाता। तब नंदिनी ने कहा, राजीव तुम कुछ दिन और यहाँ रुक नहीं सकते हो क्या? इतना कहकर नंदिनी ने अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि नंदिनी में राजीव की आंखों में देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं राजीव ने रुकने के लिए मना कर दिया और उसे छोड़कर चला गया तो वो क्या करेगी। नंदिनी एक बार अपना प्यार खो चुकी थी, अब उसमें दोबारा राजीव को खोने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब नंदिनी राजीव से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। राजीव ने नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, रुकने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी रुक सकता हूँ नंदिनी, बस यही बात अगर तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो तो। राजीव भी नंदिनी के लिए अब कुछ कुछ महसूस करने लगा था, और जब इस बात का एहसास नंदिनी को हुआ तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन अभी भी वो अपने दिल की बात राजीव से कह नहीं पा रही थी। तब नंदिनी के दिल का हाल समझते हुए राजीव ने नंदिनी के हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगा, कहाँ गई वो मेरी धाकड़ नंदिनी, जो अपनी खुशियों को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती थी। तब नंदिनी ने कहा, एक बार तो ये कोशिश करके देख ली थी, लेकिन बदले में जो धोखा मिला उसने तुम्हारी नंदिनी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये कहते हुए नंदिनी राजीव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, तो राजीव ने नंदिनी को अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, कब तक नंदिनी, कब तक तुम बीती यादों को याद कर करके घुट घुट कर जीती रहोगी, भूल जाओ सब कुछ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, आने वाले समय की नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो सूरज की किरणें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जिन्हें तुम बचपन में अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश किया करती थी। कम से कम उसी बात से कुछ सीख लो नंदिनी, जब वो सूरज की किरणें तुम्हारे हाथों में नहीं आती थी ना, तो तुम कभी हार नहीं मानती थी, बल्कि अपनी जगह बदल कर फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि अब वो तुम्हारे हाथ आ जाएंगी। और फिर एक वक्त ऐसा आता था कि तुम उन किरणों को अपनी मुट्ठी में नहीं, लेकिन अपने खुले हाथों पर पड़ती रोशनी को देखकर यह महसूस करती थी कि आखिरकार तुमने उन किरणों को पकड़ लिया। ये जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है,
अगर जिंदगी में कोई एक इंसान आपको धोखा दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान तुम्हें प्यार में धोखा ही देगा। एक बार फिर से किसी का हाथ थाम कर देख लो नंदिनी, अगर कोई और नहीं मिल रहा है तो मेरा ही हाथ थाम कर देख लो। ये कहते हुए राजीव की आंखों में शरारत नाचने लगी थी और राजीव की इस शरारत का मतलब समझते हुए नंदिनी ने भी शर्माकर अपना चेहरा राजीव के सीने में छुपा लिया था। कुछ देर बाद राजीव ने कहा, नंदिनी सोचो अगर जिंदगी में मुझे भी किसी और लड़की से प्यार। इससे पहले कि राजीव आगे और कुछ कहता, नंदिनी ने पीछे टेबल पर रखी छुरी को उठा लिया और कहा, अगर तुमने ये गलती करने की कोशिश भी की ना तो इस बार मैं अपनी जान नहीं दूंगी बल्कि तुम्हारा गला काट दूंगी। तब राजीव ने कहा, हाँ देखा नंदिनी, बस मैं यही तो चाहता था, अब मुझे मेरी धाकड़ नंदिनी वापस मिल गई है। राजीव की इस बात का जवाब देते हुए नंदिनी ने कहा, लेकिन राजीव मेरे भाइयों ने कभी अगर मुझे ढूंढ लिया तो मेरे साथ साथ तुम भी हमारे प्यार की बलि चढ़ जाओगे और तब ना तो तुम्हारी बहादुरी किसी काम आएगी और ना ही तुम्हारी ये धाकड़ नंदिनी कुछ कर पाएगी, क्योंकि तुम तो मेरे भाइयों को अच्छी तरह से जानते हो ना कि वो अपने घर की आन बान शान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब राजीव ने कहा, इन सब बातों की फिक्र तुम क्यों कर रही हो मेरी जान, मैं हूं ना ये सब सोचने के लिए, और वैसे भी हम कौन सा यहाँ इस शहर में रहने वाले हैं, मैं तो तुम्हें अपने साथ कनाडा लेकर जा रहा हूँ और तुम्हारे भाइयों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम मेरे साथ कनाडा चली गई होगी। हमें तो यहाँ बस कुछ दिन ही गुजारने हैं जब तक कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन जाता। उसके बाद राजीव और नंदिनी ने जल्दी से जाकर कोर्ट मैरिज कर ली ताकि राजीव की पत्नी होने के नाते नंदिनी का वीजा आसानी से मिल जाए। और फिर कुछ ही दिनों में राजीव ने नंदिनी का पासपोर्ट बनवा लिया और उसी हफ्ते दोनों कनाडा जाने के लिए निकल गए। एक तरफ नंदिनी के भाइयों ने अपनी झूठी शान की खातिर अपनी उस बहन का जीतेजी श्राद्ध कर दिया जिसे वो अपनी बेटी से बढ़कर मानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव का हाथ थाम कर आज नंदिनी बादलों के ऊपर अपने सपनों की नई उड़ान भर रही थी। नंदिनी ने राजीव से कहा, राजीव तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोड़ ले लिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तब राजीव ने नंदिनी के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, पता नहीं नंदिनी, वो एक महीना जब तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था तब मैं तुम्हारे सारे काम एक दोस्त की मदद करने के नाते कर रहा था, लेकिन उस एक महीने में कब मुझे तुमसे प्यार हो गया ये तो मुझे खुद को ही पता नहीं चला। ये कहते हुए राजीव की पकड़ नंदिनी के हाथों पर और भी मजबूत हो गई और तब नंदिनी को ऐसा लगा कि जैसे राजीव ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। नंदिनी ने भी राजीव के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और इस तरह से ये दो हंसों का जोड़ा अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर निकल पड़ा। जय श्री राम। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।